कौमी असेंबली में किताबें और बोतलें चलने के बाद तीसरे दिन का इजलास कुछ देर बाद हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय ना पा सके। कौमी असेंबली का माहौल बेहतर बनाने के लिए हुक्मरान जमात सरगर्म, परवेज खटक की जेर सदारत पार्लियामानी पार्टी की बैठक जारी। हुकूमत जानबूझकर पार्लियामेंट को नाकारा बना रही है, ऐवान का माहौल खराब कर रही है। शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली पहुंचने पर गुफ्तगू, कहा सारी सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान नियाजी हैं, लीगी अरकान खामोश नहीं रहेंगे। किसी को उठाकर इधर से उधर नहीं फेंक सकता, मेरी जिम्मेदारी है हुकूमत और अपोजिशन को बराबर मौका दूं, दोनों को एक पेज पर बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। स्पीकर असद कैसर कहते हैं असेंबली वाकयात काबिले अफसोस और जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार, दो माह में खत्म करने का हुक्म, कराची तजावजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत, ग्रीन बेल्ट्स पर कमर्शियल सरगर्मी की इजाजत नहीं दे सकते। अलादीन पार्क में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज, हैवी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल की मिसमारी जारी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतासरीन सड़कों पर आ गए। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील, कहते हैं जगह गैर कानूनी है तो लीज क्यों दी, पानी बिजली गैस के कनेक्शन क्यों दिए गए, जिसने लीज दी उस अफसर को पकड़ा जाए। लाहौर में मदरसे के मुफ्ती की तालिबे इल्म से 3 साल तक मुबैना बदफेली, मुलजिम अजीजुर रहमान को मदरसे की नाजमियत से फारिग कर दिया गया, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। विफाकुल मदारिस ने जामे मंजूरुल इस्लामिया का इलहाक भी खत्म कर दिया। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 46 अमवात, तादाद 21,874 हो गई, 1,119 नए केसेज रिपोर्ट, मुस्बत केसेज की शरह 3% रही। कराची में आज शाम से 19 जून तक तेज़ और हल्की बारिश का इम्कान, गर्द आलू हवाएं भी चलेंगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद बारिश जलथल एक हो गया। कश्मीर, शिकारपुर, लाड़काना और जैकाबाद समेत कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर। और अबूजाबी में PSL 6 का मेला, आज 2 मैच खेले जाएंगे, पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर जलमी के दरमियान होगा, दूसरे टाकरे में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। इवेंट से कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर तमाम हुआ, मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले की दौड़ से बाहर।